ChatGPT आपके सभी कार्यों को अब चुटकी में कर देगा। जी हाँ, अब घंटों और दिनों का काम होगा बस आपकी चुटकी बजाते ही। OpenAI लेके आया है ChatGPT। क्या गूगल सर्च इंजन खत्म हो जाएगा? क्या इस फीचर को यूज करके हम एक दिन में हजारों डॉलर कमा सकते हैं? दिस इज गोना चेंज योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट इज ChatGPT। ChatGPT इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल chatbot developed by OpenAI based on GPT-3.5. It has a remarkable eligibility to interact in a conversational dialogue form and provide responses that can appear surprisingly human. ChatGPT GPT-3.5 पर आधारित OpenAI द्वारा विकसित एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है। इसमें संवादात्मक रूप में बातचीत करने की ऐसी उल्लेखनीय क्षमता है जो आश्चर्यजनक रूप से मानवीय प्रतीत होती है। जैसे कि ऐसे लगता है कि हम एक मानव से बात कर रहे हैं, इंसान से बात कर रहे हैं। हम कोई भी क्वेश्चंस डालेंगे, उसके वो आंसर्स दे देगी। हम कोई भी उसको कमांड देंगे, उसका पालन करेगी, अनुसरण करेगी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक RLHF इज एन एडिशनल लेयर ऑफ ट्रेनिंग दैट यूजेस ह्यूमन फीडबैक टू हेल्प ChatGPT लर्न द एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस and generate responses that are satisfactory to human. Human feedback के साथ reinforcement learning प्रशिक्षण की एक अतिरिक्त परत है, layer है, जो ChatGPT को निर्देशों का पालन करने और मनुष्य के लिए संतोषजनक प्रतिक्रियाएं satisfactory responses उत्पन्न करने की क्षमता सीखने में मदद करने के लिए human feedback का उपयोग करती है। मतलब हम कोई उसको command देते हैं, वो उसका अनुसरण करती है। जैसे हम कुछ बोलेंगे, write an essay ऑन ChatGPT। हम अगर इसको बोलेंगे ChatGPT पे ही एक ऐसे लिखो, तो ये ChatGPT के बारे में लिखना शुरू कर देगी, उसका अनुसरण कर देगी। और हमारे फीडबैक से भी ये सीखेगी। हम अगर इसको कोई फीडबैक देते हैं तो उसका अनुसरण करके भी ये खुद भी सीखेगी उसको। हाउ कैन ChatGPT बी यूज्ड? ChatGPT कैन राइट कोड, पोएम्स, सॉन्ग्स and even short stories in the style of a specific author. ChatGPT code लिख सकता है, HTML code, Java code, सब code लिख सकता है seconds के अंदर। Poem बना सकता है, songs बना सकता है, short story बना सकता है। ऐसे feel होगा जैसे ये किसी author ने ही बनाए हैं। The expertise in the following direction elevates ChatGPT from an information source to a tool that can be asked to complete a task. मतलब जैसे Google में हम सिर्फ search engine का काम करता था, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी इंटरनेट पे, गूगल सर्च इंजन के लिए उसको खोज के लाके हमें दे देता था। लेकिन ये सिर्फ सर्च इंजन का काम नहीं करेगा, ये इंफॉर्मेशन सोर्स को देखेगा और एक टूल की तरह काम करेगा जो कि हमारी कमांड के हिसाब से काम कर सके। दिस मेक्स इट यूजफुल फॉर राइटिंग एन एसे ऑन अ वर्चुअली एनी टॉपिक इन दिस वर्ल्ड। किसी भी टॉपिक पे हम एसे लिखवा सकते हैं इससे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये काम कर देगा। ChatGPT can function as a tool for generating outlines for articles and even novels. Even novels तक हम इससे कुछ ही minutes के अंदर बनवा सकते हैं। Let's see how it works. आइए देखते हैं ChatGPT कैसे काम करता है। OpenAI के ये interface है, openai.com/blog/chatgpt, try ChatGPT पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। हमें इसको लॉगिन करना है OpenAI अकाउंट को। ये हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ये चेक करेगा वेदर आई एम रोबोट और नॉट, वेदर सम ह्यूमन इज यूजिंग दिस ChatGPT। तो ये कुछ क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन पूछता है कि सेलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विद ट्रैफिक लाइट्स और सेलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विद मोटरसाइकिल। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे to verify that a human is using this computer. Continue. अभी यहाँ पे अपना password हम fill up करेंगे। अपना password डालने के बाद हम इस continue पे click कर देंगे और ये हमें AI की screen पे ले जाएगा, artificial intelligence chatbot की screen पे ले जाएगा। ChatGPT, this is a free research preview. Next करेंगे। Conversation may have wrong answers also. ये बस एक बता रहा है कि it may produce wrong answer also.
अब यहाँ डाल के देखते हैं हम, राइट एन एसे ऑन काउ इन 200 वर्ड्स, राइट एन एसे इन काउ इन 200 वर्ड्स। देखिए ये स्टार्ट हो गया, काउज आर लार्ज जेंटल एंड दैट आर ऑफन कैप्ट ऑन फार्म्स फॉर देयर मिल्क मीट अदर प्रोडक्ट्स, दे आर नोन एज बोवाइन एनिमल्स, काउ आर ऑफन दे कॉम डोसाइल नेचर, दे आर हर्बीवोरस विच मीन्स दे ओनली ईट प्लांट, इन मैनी कल्चर काउज आर कंसिडर्ड सेक्रेड एनिमल्स। ये स्टार्ट हो गया है, 200 वर्ड्स का ऐसे लिखने लग गया है विद अ क्लिक, विद जस्ट अ क्लिक, चुटकी बजाते ही हमारा ऐसे रेडी है। अगर हमें ऐसे पसंद नहीं आया तो हम रीजनरेट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो ये दूसरा ऐसे लिख देगा हमारे लिए। अब देखते हैं हमारे लिए ये कोड कैसे लिखता है। राइट अ कोड इन HTML फॉर अ वेबसाइट हैविंग फीचर्स, फॉर अ वेबसाइट हैविंग फीचर्स सच एज होम पेज, रिसोर्सेज, ब्लॉग एंड कॉन्टेक्टस, ये सब हमें फीचर्स चाहिए हैं। तो एक HTML कोड हमें चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए। ये देखिए लिखना शुरू कर दिया, HTML टेक्स्ट, माई वेबसाइट, हेड, बॉडी, हेडर, फुटर सभी डाल दिया है। आग पलक झपकते ही ये कोडिंग स्टार्ट कर दी है इसने, HTML की कोडिंग, जिसको लिखने में हमें घंटों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं। ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये अपने आप सेकंड्स के अंदर वेबसाइट का पूरा कोड डाल देगा, जिसको इंजीनियर्स घंटों बैठ के लिखते हैं, जिसको सीखने में भी बहुत समय लग जाता है इंजीनियर्स के द्वारा। और ये देखिए कॉपीराइट माई 2021 वेबसाइट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी कि दिस कोड क्रिएट्स अ सिंपल वेबसाइट विद अ हेडर कंटेनिंग द वेबसाइट नेम, नेविगेशन मेन्यू टू दिस 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 दिस। अगर ये हमें पसंद नहीं आई है इस टाइप की वेबसाइट तो रीजनरेट कर देंगे, तो ये थोड़ा दूसरा मॉडिफाई करके वेबसाइट बना देगा। अब सिंपली हमें इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कोड अपने वर्डप्रेस के जो कोड सेक्शन है HTML कोड सेक्शन, वहाँ पे जाके डाल देंगे और हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। सिर्फ पलक झपकते ही चुटकी में हमारा काम कर रहा है, जबकि गूगल में सिर्फ सर्च इंजन होता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पूरे वेब से निकाल के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट ये एक ह्यूमन की तरह काम कर रहा है, जैसे हमने इंजीनियर को काम पे लगा दिया है। अब देखते हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा। ये देखिए जावा स्क्रिप्ट के बारे में लिख देगा, क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, पहले क्या सीखना पड़ेगा, बाद में क्या सीखना पड़ेगा। फेमिलराइज योर सेल्फ विद द बेसिक HTML एंड CSS, दीज आर टेक्नोलॉजीज यूज टू स्ट्रक्चर देयर वेब पेज, फाइंड एन ऑनलाइन ट्यूटोरियल और रिसोर्सेज ऑफ टीचर्स। ये देखिए अगर हमें इसको जावा की कोडिंग करवानी तो कोडिंग भी कर देता है, ये हमें बता रहा है कि हमें कैसे कैसे जावा स्क्रिप्ट सीखने में क्या क्या स्टेप यूज होते हैं। विद इन आग झपकते ही ये हमें पूरा रिस्पॉन्स कर देता है, अगर ये हमें पसंद नहीं आया तो हमने रीजन डेट प्रोसेस कर दिया, तो अब ये जावा स्क्रिप्ट के बारे में दोबारा स्टार्ट कर देगा कि आपको वेब ब्राउजर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, मोजिला डेवलपर नेटवर्क जावा स्क्रिप्ट गाइड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स दैट कवर्स द बेसिक ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज एडवांस टॉपिक्स। तो ये अभी बता देगा कहाँ कहाँ पे हमें कोड ले सकते हैं, फ्री कोड कैंप होता है जावा करिकुलम का, तो ये सब हमें पूरी इंफॉर्मेशन चुटकियों के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। आइए देखते हैं कुछ और लिख के। आई वॉन्ट टू राइट अ पोएम ऑन लेबर, ऑन राइट अ पोएम ऑन काउ इन हिंदी, सॉरी आई वॉन्ट टू राइट अ पोएम इन, देखते हैं, देखिए जैसे हम YouTube पे काम कर रहे हैं तो आज इससे पूछते हैं कि हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर ऑन YouTube, प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। आइए देखते हैं हिंदी में भी काम करता है क्या। ओ माई गॉड, इसने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया है, YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको निम्नलिखित टिप्स का पालन करना चाहिए। टिप एक, अच्छा विषय चुने, अपने वीडियोस में विषय का चयन करें जो लोगों को दर्शन करने में रुचि होगी, अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दें।
तो ये मतलब YouTube पे कैसे हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, इससे रिलेटेड भी चीज़ें हमें बता रहा है, और वो भी हिंदी में, जिस लैंग्वेज में हमें चाहिए मराठी देगा, उर्दू चाहिए उर्दू देगा, तमिल चाहिए तमिल देगा, हर चीज़ का आंसर हमारी जो भी मातृभाषा है जो या जिस भाषा में हम जानना चाहते हैं उसी भाषा में आंसर करेगा। जब चाहिए हमें कोडिंग करवा सकते हैं, हमें जो भी कोडिंग चाहिए, मतलब वेब डेवलपर्स की हमें अब ज़रूरत नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए, हम कोडिंग इसको बोलेंगे कि एक वेबसाइट का कोड बनाओ और ये कोड बना देगा। हमें कोई टॉपिक है जिसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बनानी है, इसका टॉपिक लेना है तो हम इसको डाल देंगे कि यूट्यूब पे हमें ये वीडियो बनानी है, इसकी जानकारी हमें दो, इसका टॉपिक हमें दो। तो मतलब हम इसके इसका यूज कर करके हम कहीं भी डाल सकते हैं, इसका यूज करके हम एक ब्लॉग बना सकते हैं, जिस ब्लॉग के अंदर आर्टिकल लोगों को बनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं, तो वो काम कर सकते हैं हम, ताकि और उससे डॉलर्स कमा सकते हैं। मतलब ब्लॉग, अगर ब्लॉगिंग साइट से लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं कि मैथ्स का प्रॉब्लम भी ये सोल्व करता है क्या, बच्चों की इक्वेशन भी सोल्व करता है क्या। सोल्व वन इक्वेशन, टू ब्रैकेट स्टार्ट, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, इंटू फोर इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स। ये हमने एक इक्वेशन दी है, ये गलत इक्वेशन है, देखते हैं कि ये समझ पाता है या नहीं। इट लुक्स लाइक यू हैव एन इक्वेशन विद वेरिएबल ए एंड बी, यू वॉन्ट टू सोल्व फॉर वन ऑफ देम, हाउएवर द इक्वेशन यू प्रोवाइडेड इज नॉट कम्प्लीट एंड डज नॉट हैव ए इक्वल साइन, विदाउट इक्वल साइन इट इज़ नॉट क्लियर वट यू वॉन्ट टू सोल्व फॉर। मतलब इसने ये बता दिया कि आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है वो क्वेश्चन भी गलत है, आपकी इक्वेशन कम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको इस टाइप से ये इसने एग्जाम्पल दे दिया कि अगर थ्री डालोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। चलो ये देखते हैं कि ये सॉन्ग्स भी बना सकता है क्या, पूछते हैं इससे कि ये क्या स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। चलो आई वॉन्ट टू राइट अ सॉन्ग ऑन लेबर इन हिंदी, देखते हैं कि ये कुछ लिखता है क्या, ये हमें सैंपल दे देगा। मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, हर दिन मेरी मुश्किल होती है, जिससे मैं रोज जीता हूँ उससे मैं रोज जीना सीखता हूँ। ये वर्ष वन थी, ये पहरा है इसका कोर्स वन, मेरी मजबूरी का जिक्र सुनते हैं सबको दिल से आभार है, हमारी मजदूरी का जिक्र सुनते हैं। अब वर्ष टू आ गई, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ, हम सबको सजग समझाते हैं, हर दिन मेरा हाथ मेरी समझदारी से हमारे समाज की रक्षा करता हूँ, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ। मतलब ये उतनी अच्छी एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, बट ये मजदूर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड एक सॉन्ग इसने बना दिया है अपने उसमें। मतलब इसको अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी ये रिसर्च मोड में चल रहा है, अभी ओपन एआई इसको एक रिसर्च के बेस पे यूज कर रहा है, तो मतलब इसमें वो कर रहा है। आइए हम इसमें लेटर लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर आस्किंग हिम रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इन आवर विलेज। प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिख देगा ये, देखते हैं क्या ये सच रहेगा कि हमारे विलेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से अवगत कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर को लेटर। डियर प्राइम मिनिस्टर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन आवर विलेज, डिस्पाइट आवर हैंड राइटिंग एंड स्किल पॉपुलेशन मैनी ऑफ रेजिडेंट। ओ माई गॉड, इसने पूरा लेटर फ्रेम किया है, दैट टू इन अ वेरी फॉर्मल मैनर, वेरी फॉर्मल फॉर्मेट के साथ, सिंसियरली योर नेम, इसको बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है। मतलब जो लेटर लिखने में हमें 5-10 मिनट लग जाते, ये लेटर इसने विद इन 5 सेकंड्स बना दिया है, हमें सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करके प्रधानमंत्री जी को भेजना है। तो इसी तरह टीचर्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक बड़ा बैकड्रॉप है कि अगर बच्चे स्टूडेंट इसका यूज़ करने लग जाएंगे तो मतलब होमवर्क में वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे,
वो टीचर ने होमवर्क दिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको कमांड दे देंगे कि आज का होमवर्क का ये चीज है, मेरा पूरा कर दो, मैथ्स के सॉल्यूशन कर दो, तो वो बस डायरेक्टली सॉल्यूशन करके कॉपी पेस्ट करके ले जाएंगे। तो ये ह्यूमन को, कैपेबिलिटीज को भी लिमिट कर रहा है, बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता को लिमिट कर देगा। ये इसकी बड़ी बड़ी लिमिटेशन है, ये बड़ा खतरा है, डेंजर है आने वाली सिचुएशन के लिए। अब सवाल आता है कि हम चैट जीपीटी से कैसे पैसे कमा सकते हैं, हाउ कैन वी अर्न यूजिंग चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को हम यूज करके ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हैं, बाय क्रिएटिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन ए वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर आप यूज कर रहे हो तो जो ब्लॉग पोस्ट बनाने में आपको घंटे लगते थे वो आप चुटकियों में बना सकते हो। तो एक दिन में अगर आप दो दिन में एक ब्लॉग पोस्ट डालते थे तो आप एक दिन में 5-10 ब्लॉग पोस्ट डालोगे, जिससे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो ब्लॉग पोस्ट से भी आप पैसा कमा सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग, दूसरे वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करके पैसा कमा सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, आप कंटेंट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं, बाय गेटिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट फॉर यूट्यूब, FB, इंस्टा वीडियोज। आप YouTube FB पे अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हो, YouTube पे FB वीडियोस पे अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हो तो उनका कंटेंट बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन चैट GPT का यूज़ करके आप सेकंड्स में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना सकते हो, वो भी वेल अरेंज्ड फॉर्म में, बाय फ्रीलांसिंग एज ए कंटेंट राइटर। और आप कुछ टूल्स भी बना सकते हो, ऑनलाइन टूल्स बना सकते हो जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मिलियंस में ट्रैफिक आता है, बाय क्रिएटिंग वेरियस टूल्स सच एज QR कोड जनरेटर। आज हर बिजनेस को, हर चैनल, यूट्यूब चैनल को, हर बिजनेस को, हर वेबसाइट को अपना एक यूनिक QR कोड चाहिए होता है। तो QR कोड जनरेटर पे बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक चलता है, तो उसकी यूज करके भी आप अर्न कर सकते हैं। आप एक QR कोड जनरेटर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपको सिर्फ चैट GPT पे डालना है कि राइट अ कोड फॉर अ टूल फॉर टू क्रिएट QR कोड जनरेटर, वो बिल्कुल एक सेकंड में आपको आंसर कर देगा। कॉपी करो, पेस्ट करो वेबसाइट पे और आपका एक टूल जो है QR कोड जनरेटर बन गया है। पासवर्ड जनरेटर, लोगो जनरेटर, इस टाइप के वेरियस टूल्स हैं जिनकी कोडिंग बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कोडिंग यूज होती है, वो बहुत टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, लेकिन इसका चैट GPT का यूज़ करके आप QR कोड जनरेटर और ऐसे टूल्स सेकंड्स में बना सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल 2023, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लेबर लॉज स्टेशन। थैंक यू वेरी मच।